हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां की लड़कियों को भारतीय पुरुष बहुत पसंद होते हैं और भारतीय पुरुषों से शादी करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहती हैं। दोस्तों, भारत एक युवा आबादी वाला देश माना जाता है और आज के समय में भारतीय युवाओं की डिमांड पूरी दुनिया में देखी जाती है। भारतीय पुरुष बहुत समझदार भी माने जाते हैं, तभी तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के CEO भारतीय ही हैं। देखिए, हमारे देश के ब्राउन मुंडों की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है और हर देश के नौजवानों को टक्कर देने के लिए भारतीय पुरुष हर वक्त तैयार रहते हैं। साथ ही भारतीय लड़के काफी ज्यादा केयरिंग नेचर के भी माने जाते हैं। हालांकि ये थोड़े पॉसेसिव जरूर होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर का ध्यान भी बखूबी रखते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर की लड़कियां भारतीय पुरुषों पर इतना ज्यादा मरती हैं कि उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम उन 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे जहां की लड़कियां भारतीय पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। तो आइए बिना देरी किए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में पहले नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है। ये नाम सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच भले ही सीमा पर विवाद चलता रहे, लेकिन इस बात से पाकिस्तानी महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही भारतीय पुरुषों की तरफ आकर्षित होती रही हैं। पाकिस्तान की महिलाएं बड़ी संख्या में सोशल मीडिया एप्स के जरिए हिंदुस्तान के मर्दों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान की लड़कियों का ऐसा मानना है कि भारत में उन्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। भारतीय पुरुष जीवन भर अपनी पत्नी का साथ निभाते हैं, वहीं पाकिस्तान में महिलाओं को डर रहता है कि कहीं उनका शौहर उन्हें किसी बात पर तलाक ना दे दे या फिर शादी के कुछ समय बाद कोई नई सौतन घर में ना ले आए। भारत में कई सुपरस्टार्स जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान को भी पाकिस्तान की महिलाएं काफी ज्यादा पसंद करती हैं और इन स्टार्स की फिल्में भी पाकिस्तान में अच्छी खासी कमाई करती हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुषों को भी पाकिस्तानी लड़कियां पसंद आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी मानी जाती है और इनकी मुस्कुराहट और अदाएं देखकर भारत के पुरुष अपना दिल खो बैठते हैं। मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया और भारत के संबंध हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं और मलेशिया की लड़कियां इन संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं। मलेशियन लड़कियों को भारतीय पुरुष बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इंडियंस अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और इस देश में कट्टरवाद को काफी बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि देश में कुछ प्रतिशत लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, लेकिन मलेशिया की लड़कियों को भारत का सेकुलर कल्चर सबसे ज्यादा पसंद आता है। मलेशिया की लड़कियां ये भी कहती हैं कि भारतीय पुरुष अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहते हैं और दोस्ताना स्वभाव के होते हैं। अपने फ्रेंडली नेचर के कारण ही भारतीय पुरुष किसी भी देश की लड़की को आसानी से इम्प्रेस करते हैं। मलेशियन लड़कियों द्वारा भारतीय पुरुषों को पसंद करने की एक वजह भारतीयों का लंबा होना भी है, क्योंकि मलेशिया में आमतौर पर पुरुषों की लंबाई भारतीय पुरुषों के मुकाबले कम होती है। और एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि मलेशिया की 49% महिलाएं ऐसी हैं जो भारतीय पुरुषों से शादी करने और इंडिया में बसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेपाल। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत इसे अपने छोटे भाई के जैसा मानता है। नेपाल की लड़कियों को भी भारतीय युवक काफी पसंद आते हैं। नेपाल में दोस्तों, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है और बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भारत में सरकारी नौकरी की तलाश में आते हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नेपाली लड़कियों को नौकरी करते करते भारतीय युवकों से प्यार हो जाता है। भारतीय लड़कों को नेपाली लड़कियों की सादगी काफी पसंद आती है और आज के समय में कई भारतीय पुरुष ऐसे दिख जाएंगे जो नेपाल की लड़कियों से शादी करना पसंद कर रहे हैं। वहीं नेपाल की लड़कियों का ये भी मानना है कि भाई, रहने के लिहाज से भारत नेपाल से तो बेहतर देश है और भारत से उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय पुरुष अपनी पत्नी को कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते। हर मुश्किल वक्त में भारतीय पुरुष अपने पार्टनर के संग खड़े हुए नजर आते हैं और यही सब बातें नेपाल की लड़कियों को भारतीय पुरुषों की तरफ आकर्षित करती है। वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम साउथ एशिया में स्थित एक बेहद ही शानदार देश है। ये देश बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इन पर्यटकों में सबसे ज्यादा भारतीय लोग ही शामिल होते हैं। वियतनाम की महिलाएं अक्सर भारतीय सैलानियों के साथ इश्क कर लेती हैं। वियतनाम की महिलाओं का ऐसा मानना है कि भारतीय युवक रिश्ता निभाने में बहुत अच्छे होते हैं और एक बार यदि भारतीय पुरुष किसी लड़की को पसंद कर ले तो उस लड़की की खुशी के लिए भाई पूरी दुनिया उसके कदमों में लाकर रखने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। वियतनाम की लड़कियां ऐसा मानती हैं कि उन्हें भारतीय पुरुष पूरी जिंदगी खुश रखेंगे और एक राजकुमारी बनकर वो इंडिया में रहेगी। और ये बात देखिए काफी हद तक सही भी है, क्योंकि भारत की हर महिला को भारत में लक्ष्मी का रूप माना
जाता है। वियतनाम की लड़कियां भी दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और अपनी सुंदरता के कारण भारतीय पुरुष को पटाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पे हमारे सख्त लड़के फिसल ही जाते हैं। वियतनाम की लड़कियां पहले कुछ समय भारतीय पुरुषों को डेट करना पसंद करती हैं और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में महिलाओं की हालत काफी ज्यादा बुरी मानी जाती है। इस देश में महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता जिनकी वो असल में हकदार है। आज भी बांग्लादेश में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर आंका जाता है और शायद यही वजह है कि बांग्लादेश की लड़कियां अपने देश के बजाय भारतीय पुरुषों से शादी करना ज्यादा पसंद करती हैं। भारतीय युवाओं की आर्थिक स्थिति भी बांग्लादेश के पुरुषों से कहीं बेहतर होती है और भारत देश रहने के लिए भी बांग्लादेश से लाख गुना अच्छा है। बांग्लादेश की महिलाएं ऐसा मानती है कि भारतीय पुरुष उन्हें वो सम्मान देंगे जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला है। भारत में आकर वो महिलाएं खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगी और किसी प्रकार की पाबंदियों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। बांग्लादेश के पुरुष काफी शक्की स्वभाव के माने जाते हैं और अक्सर वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पुरुष अपनी पत्नी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं और यही एक सच्चे रिश्ते की मिसाल भी होती है। श्रीलंका। दोस्तों हमारे एक और पड़ोसी देश श्रीलंका की महिलाएं भी भारतीय पुरुषों को काफी ज्यादा पसंद करती हैं। श्रीलंका की महिलाएं भारत के बॉलीवुड स्टार्स की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। श्रीलंका की लड़कियां अक्सर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सपना देखती हैं और मिस श्रीलंकन रह चुकी जैकलिन फर्नांडिस के बारे में तो आपने सुना ही है। श्रीलंका के मुकाबले भारत महिलाओं के रहने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है और पिछले कुछ समय से तो देश की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ी हुई है। ऐसे में बहुत से श्रीलंकन लोग देश से बाहर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। श्रीलंका की महिलाएं भारतीय पुरुष को डेट करने और भारत आने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहती हैं। अमेरिका। इस लिस्ट में अमेरिका का नाम देखकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी और आप सोच रहे होंगे भला एक अमेरिकन लड़की भारतीय पुरुष को पसंद क्यों करेगी। असल में देखिए भारतीय पुरुषों को पसंद करने की अमेरिकन लड़कियों के पास एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें हैं। उनका कहना है कि भारत के लड़के अमेरिका के लड़कों के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद और लॉयल होते हैं। अगर भारतीय पुरुष किसी एक लड़की से प्यार करते हैं तो वो कभी किसी दूसरी लड़की के प्यार के जाल में नहीं फंसेंगे। वहीं अमेरिका में लड़के अक्सर अपने पार्टनर को धोखा देते हैं और यही वजह है कि अमेरिका में डिवोर्स रेट भी बहुत हाई है। लेकिन जो अमेरिकन लड़कियां भारतीय पुरुषों को डेट कर रही हैं या जिन्होंने भारतीय पुरुषों के साथ शादी की है वो हमेशा काफी खुश नजर आती हैं। अमेरिका की लड़कियों का ऐसा मानना है कि लड़कों की पर्सनैलिटी और नेचर अच्छा होना चाहिए और इन दोनों चीजों के अलावा उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर लड़का चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो और भारत के नौजवान पर्सनैलिटी और स्वभाव के मामले में अच्छे होते ही हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसा देखा गया है कि जो भारतीय पुरुष नौकरी या पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए हैं उन्होंने वहीं पर किसी अमेरिकन लड़की से शादी करके अपना घर बसाया है। फिलीपींस। फिलीपींस की लड़कियों को भी भारतीय पुरुष काफी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। उनका मानना है कि भारतीय पुरुष न सिर्फ डेट करने के लिए बल्कि शादी करने के लिए भी परफेक्ट होते हैं। भारतीय पुरुष की स्माइल काफी अच्छी होती है और फिलीपींस की लड़कियों का ये भी कहना है कि भारतीय पुरुषों का ब्राउन टेक्सचर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो ना तो बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं और ना ही बहुत ही ज्यादा गोरे। भारतीय पुरुष भी फिलीपींस जाना पसंद करेंगे। हर साल हजारों की संख्या में भारतीय युवक हायर एजुकेशन के लिए फिलीपींस जाते हैं। फिलीपींस में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई काफी अच्छी मानी जाती है। फिलीपींस की लड़कियां ये भी कहती हैं कि भारतीय पुरुषों का ज्यादा बोलने का स्वभाव उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भारतीय पुरुष उन्हें दिन भर हंसाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी फिलीपींस की लड़कियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए भारतीय पुरुषों के साथ रिलेशनशिप में भी हैं। थाईलैंड। दोस्तों छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड भारतीय पुरुषों की पहली पसंद रहता है। यहाँ का थाई फूड और थाई मसाज पूरी दुनिया में फेमस है। बड़ी संख्या में हर साल भारतीय पुरुष थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं और इसी वजह से थाईलैंड की लड़कियां इंडियन लड़कों के नेचर के बारे में अच्छे से जानती हैं। थाईलैंड की महिलाएं ऐसा मानती हैं कि भारतीय पुरुष अपनी पत्नी और परिवार से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं भारत की संस्कृति और परंपरा भी थाईलैंड की महिलाओं को आकर्षित करती है। इस देश की कई महिलाएं तो ये कबूल कर चुकी हैं कि वो भारतीय पुरुषों को डेट कर रही हैं या फिर कर चुकी हैं। थाईलैंड की महिलाओं का ये भी मानना है कि भले ही भारतीय पुरुष कभी कभी अपनी पत्नी से झूठ बोलकर बाहर एंजॉय करते हैं लेकिन उनके दिल में सिर्फ उनकी पत्नी के लिए ही जगह होती है। हालांकि भारतीय पुरुष थाईलैंड की महिलाओं को कम पसंद करते हैं क्योंकि थाईलैंड की ज्यादातर महिलाएं काफी खुले नेचर की होती है और वो इंडियन परिवारों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। रशिया। रशिया की लड़कियों को भी इंडिया के लड़के काफी पसंद होते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत के हजारों युवा हर साल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रशिया जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस देश में MBBS करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम देना नहीं पड़ता और रशिया में जाकर भारतीय लड़कों को अक्सर इस देश की महिलाएं अपना दिल दे बैठती हैं। रशिया की लड़कियों का ऐसा मानना है कि इंडियन बॉयज बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उनके मन में महिलाओं के लिए इज्जत भी होती है। खास तौर पर पंजाबी लड़के या फिर छोटे कद के भारतीय पुरुष रूसी महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं। रशिया में वैसे भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जाती है। ये भी एक वजह है कि वो अपने लिए दूसरे देश के लड़के सेलेक्ट करना ज्यादा पसंद करती है। इसके अलावा रूस की महिलाओं का ये भी कहना है कि उनके देश के लड़के या
यानी कि रशियन बॉयज काफी ज्यादा अकड़ू स्वभाव के होते हैं और उनमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है और लड़कियों को हमेशा अच्छे स्वभाव वाले लड़के पसंद आते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुषों को रशियन कितनी पसंद होती है ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे वो 10 देश जहां की लड़कियां भारतीय लड़कों पर फिदा रहती हैं। अगर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो इन 10 देशों की महिलाओं में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन से देश की लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।